Hey guys, मेरा नाम है पारस तोमर, I'm an actor, I'm an influencer, I'm a skincare guru. शुरू करते हैं wrinkles से. हर कहानी के पीछे बहुत सारे ऐसी चीजें होती है. एक कहानी में कहानी होती है, कहानी में कहानी होती है, कहानी में कहानी होती है, और हर कहानी के साथ एक नया wrinkle आपके forehead पे form हो जाता है. उसके लिए सबसे आसान जो तरीका है वो है हमारा देसी घी. ऑलराइट, अब आते हैं आपके ब्यूटिफुल लवली हॉट से चेहरे पर जिसपे आप हमेशा चाहते हो कि लाइन्स कम से कम बने. करेक्ट, सबसे पहले एक ले लो स्प्रे बॉटल, बिकॉज आई थिंक स्प्रे बॉटल्स आर अमेजिंग. आपकी लाइफ बहुत ही सिंपल हो जाती है. उसके बाद इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ग्लिसरीन. अब ग्लिसरीन आपकी स्किन के लिए इतना अच्छा है, अगर आप कोई भी एक्चुअली मॉइस्चराइजर देखोगे उसमें ग्लिसरीन हमेशा होता है. अब वो प्लांट बेस्ड ग्लिसरीन हो या एनिमल बेस्ड ग्लिसरीन हो वो अलग बात है, पर ग्लिसरीन इज अमेजिंग फॉर योर स्किन एज अ मॉइस्चराइजर. अब डालो उसमें थोड़ा सा शहद, और इन तीन चीज़ों से आपके पास बन गया एक ऐसा सिंपल पारस का नुस्खा जो आपने एक बार बना दिया और फ्रिज में रख दिया. अब इसको अच्छे से शेक कर दो और उसके बाद इसको फ्रिज में रख देना. अब इसको लगाने का बहुत ही आसान तरीका है, अपनी एड़ियों पे, अपने हाथों पे, अपने फेस पे आप इसको नॉर्मली फुसफुस कर दो, और इससे क्या होगा आपकी स्किन पे आने लग जाएगा. उसके बाद आप इसको जैसे रखोगे ये आपकी स्किन पे रहेगा. इसमें जो तीनों चीज़ें हैं इनका एक्चुअली तीनों का जो यूटिलिटी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. जो हनी है वो एक ह्यूमेक्टेंट, जिसका मतलब ये कि आपकी स्किन पे हनी सारे मॉइस्चर को लॉक कर लेगा, जिसकी मतलब है आपको रिंकल्स कम से कम आएंगे. ग्लिसरीन आपकी स्किन को एक ऐसा पीएच बैलेंस क्रिएट कर देगा जिसका मतलब ये कि जो मॉइस्चर ऑलरेडी है आपकी स्किन में वो एस्केप नहीं होगा, और रोज़ वाटर इन सबको बाइंड करेगा जिससे कि हनी और ग्लिसरीन मिक्स हो जाए. अगर आप चाहते हैं आप इसमें थोड़ा सा नींबू भी ऐड कर सकते हैं, पर नींबू डालने से प्रॉब्लम ये है कि फिर ये ख़राब हो जाता है, फिर आपको एक हफ्ते में यूज़ करना पड़ता है. मैं थोड़ा सा लेजी हूँ, तो अगर आप इसको नॉर्मली काफ़ी यूज़ करने वाले हो तो इसमें थोड़ा सा नींबू भी डाल देना, आपकी स्किन ब्लीच भी हो जाएगी. बट अदरवाइज ये मिक्सचर ऑफ ग्लिसरीन, रोज़ वाटर एंड हनी इज़ ग्रेट टू प्रिवेंट रिंकल्स. मेरे फैमिली में बहुत टाइम से चलता है, हम सब यूज़ करते हैं, हम सबके फ्रिज में ये होता है. आप किसी भी कज़न के यहाँ पे अगर वहाँ रात को सोने जा रहे हो, फ्रिज खोला क्योंकि आपको पता है ये वहाँ पर ज़रूर होगा. द थिंग अबाउट रिंकल्स इज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. जब आपके पास रिंकल्स आ गए फिर रिंकल्स को रिवर्स नहीं किया जा सकता. ऐसे हो सकता है कि आपकी फाइन लाइन्स फिर भी चले जाएँ, पर जो बड़े बड़े रिंकल्स आते हैं वो निकालना बहुत ही डिफरेंस है. अब देखो प्रॉब्लम ये है, हमारी जनरेशन को फोटोशॉप की इतनी आदत होगी. इंस्टाग्राम पर हम जाते हैं, हम अपनी फोटो देखते हैं, एक रिंकल जैसे लाइन मारते हैं और फिर वो रिंकल निकल जाता है, या फोटोशॉप पर ऐसे एयर ब्रश करते हैं. जिंदगी में तो ऐसा हो नहीं सकता. इतने बार होता है मैं लोगों को मिलता हूँ, मैं बोलता भाई तुम्हारी तो शक्ल फोटो में अलग थी पर ऐसे तुम काफ़ी अलग रहते हो. बिकॉज द फैक्ट इज अगर आपने सच्ची में प्रिवेंशन करना शुरू किया आप वैसे ही अच्छे लगोगे और आपको फोटोशॉप की यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. राइट, सो आई होप कि आपके रिंकल्स को दूर रखेगा आपसे.